इट्स अ लवली फिल्म. ठीक ठाक. अच्छी नहीं उतनी. मुझे एवरेज लगी. वेरी फनी. अच्छी नहीं उतनी, थोड़ी बहुत ठीक ठाक. वन टाइम अच्छे. अच्छा, अक्षय कुमार की एक्टिंग. अक्षय कुमार की एक्टिंग ही देखने के लिए, फिर और दूसरों का किसी का कुछ काम ही नहीं है. अर्शद वारसी का थोड़ा थोड़ा सा काम है, एक 10-10 सेकंड के एक एक मिनट का काम दिया गया हुआ है. कृति सेन का हाँ, उसका ठीक ठाक काम है. स्टोरी थी फिल्म में. ये स्टोरी कुछ भी नहीं है, एकदम ओल्ड स्टोरी है. ठीक ठाक ठीक ठाक. अक्षय कुमार अर्शद वारसी पहली बार साथ में, दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगी? अच्छी थी. कहानी सबसे बढ़िया पंकज त्रिपाठी का रोल लगा मेरे को. कहानी आपको लग रहा फिल्म में कहानी थी? नहीं, कोई कहानी कुछ भी नहीं. अच्छा, 5 बजे कितने स्टार देंगे आप? स्टोरी उतनी अच्छी नहीं, लेकिन बीच में कहीं कहीं अच्छी कॉमेडी थी, कहीं कहीं थोड़ी बोरिंग भी लग रही थी बीच में, जैसे फेज वाइज चल रही थी. पैसा लग रहा था ऐसे कि थोड़ा लग रहा था खींच रहे हैं, लेकिन बाद में कहीं कॉमेडी आ रही थी वो अच्छी लग रही थी. मुझे एवरेज लगी. मैंने काफ़ी एक्सपेक्ट किया था, मैंने ट्रेलर देखा था, कॉमेडी है लेकिन काफ़ी रैंडम सीन्स हैं और अच्छी हो सकती थी आई थिंक. बट एज फार एज अक्षय कुमार लुक इज कंसर्न, उनकी लुक बहुत अच्छी है, तो उस तरह से बहुत अलग तरह का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, तो अच्छा है, ग्रे शेड्स है काफ़ी. कहानी के बारे में क्या क्या? स्टोरी कहानी भी अच्छी है, यू नो एक सोशल मैसेज है कि दोनों पहलू देखने चाहिए. अगर कोई इंसान बुरे राह पर चल गया है तो दोनों यू नो पहलू देखने चाहिए सिक्के के. बट ओवरऑल आई वुड से दैट इट इज़ अ वन टाइम वॉच, काफ़ी एवरेज है. अक्षय कुमार का डिफरेंट रोल है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है नया, काफ़ी अलग लुक है, तो उस तरह बहुत धमाकेदार लगते हैं. वेरी फनी, वेरी डेयरिंग, बहुत अच्छा. अर्शद वारसी की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी थी अक्षय कुमार की? सर मुझे तो अक्षय कुमार की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी. इट्स अ लवली फिल्म. आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक मासी एंटरटेनर आई है. आई थॉरली एन्जॉयड द फर्स्ट हाफ, द सेकेंड हाफ आई थिंक अभिषेक अक्षय कुमार शाइन्स ट्रिमेंडसली इन द एंटायर मूवी. आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ वन टाइम वॉच. एंड अगर आपको फैमिली के साथ आना है फैमिली के साथ आ सकते हो, बट ये मूवी सिनेमा हॉल में मिस नहीं करनी चाहिए. कितने सितारे देंगे 5 में से? 5 में से 2.5 स्टार देंगे. 2 बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं.